चाहते हैं हमारे और वीडियोस देखना तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं प्रणव प्रदर्श और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियो या फिर यूट्यूब चैनल को कैसे वायरल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के आप इस वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन आपके पास है तो आप वीडियोस बिल्कुल वायरल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ का। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन का मतलब है जो आपकी स्पीच है, बोलने की वॉइस है, जो आपका टोन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी अपीयरेंस, कि आपने कैसा जो है वो ड्रेसअप किया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन पार्ट में मैं ये कहूँगा कि आपको वीडियो बनाते समय ये ध्यान में रखना होगा कि जो कैमरे का पोजिशन और जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और सेकेंड पॉइंट पे जाए तो सेकेंड पॉइंट जो है वो है वीडियो का बैकग्राउंड। तो जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो हमेशा प्रोफेशनलिज्म की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी है, बाहर बैठे हैं और वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। ऐसे में व्यूअर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको इसके लिए जो है वो बैकग्राउंड है वो ऑफिस बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर होम बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कहीं भी वीडियोस बनाएंगे तो जो व्यूअर्स है वो ये सोचेंगे कि आप खाली पैसे कमाने के लिए वीडियोस बना रहे हो। और अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो प्रोफेशनल रहेगा तो व्यूअर्स ये सोचेंगे कि ये सही में प्रोफेशनली जो है ये यूट्यूबर है। इसलिए आपके वीडियो का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपकी अपीयरेंस। आपके वीडियो में आपका कंटेंट जैसा भी हो, आप कोई भी टॉपिक चूज करें, लेकिन इस टॉपिक में आपका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका अपीयरेंस नहीं होगा, आप खाली स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दोगे तो जो लोगों में उतना आत्मविश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद अपीयर करोगे वीडियो में और फिर आपके एक्सप्लेनेशन करने के जो तरीके हैं वो जरूर इफेक्ट करेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है थंबनेल। लोग अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं, लेकिन आपको याद रहे आप थंबनेल वही बनाएं जो आपके कंटेंट में है। ऐसा नहीं कि अब जैसे जियो ने प्लान लॉन्च किया तो आपने डाल दिया कि अनलिमिटेड जियो प्लान फॉर 90 डेज, ऐसा नहीं। जो ओरिजिनल है वही आपको थंबनेल में बताना है। और इससे बड़ी बात यह है कि जो थंबनेल है उसमें आपको अपनी फोटो जो है उसको एडिट करके जरूर डालिएगा। आप इसका जो है वो प्रूफ देख सकते हैं, टेक्निकल गुरुजी नाम का एक वीडियो चैनल है, उनके हर वीडियो में उनकी एक फोटो रहती है और साइड में जो है वो उनका कंटेंट रहता है हर थंबनेल में। तो आप उनकी थंबनेल चेक करके देख सकते हैं। मैं आपको टेक्निकल गुरुजी जो चैनल है उसकी लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद है पैशन। अगर आपका यूट्यूब चैनल आप इसलिए बना रहे हो कि आप पैसे कमा सको तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। YouTube पे वही आगे बढ़ता है जिसका पैशन होता है वीडियोस बनाना और अपने टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टाइज होती है उनकी, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक मास को देना चाहते हैं। तो इसलिए याद रहे कि आप सिर्फ पैसे के लिए वीडियोस न बनाएं, आप अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाएं। और सबसे आखिरी बात है पेशेंस। पेशेंस जो है वो 6th पॉइंट है हमारे लिस्ट का। और जो पेशेंस है, पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब जानते होंगे कि दुनिया में जितने भी मिलियनर्स हैं या फिर जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो सभी ने कभी ना कभी फेलियर तो फेस किया ही है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने बिना फेलियर फेस किए या फिर बिना हर्डल फेस किए जो मिलियनर बन गया हो। तो इसलिए आपको भी पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कि आपके वीडियोस पे पहले कोई व्यूज ना आए, बहुत कम व्यूज आए, हो सकता है एक साल में आप अपना टारगेट अचीव ना कर पाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको कंटिन्यू करना है और अपने आपको मोटिवेट करना है और वीडियोस बनाने के लिए और अपने वीडियोस को अपडेट करते रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बेट लगा के ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये ऊपर के 6 पॉइंट्स जो है इस पर आप फोकस करेंगे तो एक ना एक दिन आपका वीडियो जरूर पॉपुलर होगा।